हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को आम का जेली बनाकर बता रही हूँ। आम का जेली बनाने के लिए इस तरह का चार बड़े बड़े आम लीजिए और इसका छिलका को उतार देना है। इस तरह से मैंने चारों आम को छील लिए और इसे कद्दूकस करना है। इस तरह मैंने कद्दूकस कर ली है। आम का मुरब्बा बनाने में मैं कुछ स्वाद के लिए सौंफ दे रही हूँ, इलायची, प्लस हमारे पास बादाम, किशमिश और अखरोट। इन सभी चीज़ों को मैं टुकड़ा करके और इस मुरब्बा में डालूँगी, प्लस 1 कप चीनी। और नवरात्रा चल रहा है इसलिए मैं सेंधा नमक ली हूँ। आप लोग काला नमक, सादा नमक डाल सकते हैं और भुनी हुई जीरा ऊपर से दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी सामग्री को मैं डालकर बनाने वाली हूँ। आप जब भी बनाएं मेटल कढ़ाई में बनाएं, जिससे काला नहीं होगा। मैंने गैस में कढ़ाई को चढ़ा दी है और इसमें शुद्ध घी डाल रही मैं दो चम्मच से शुद्ध घी डाल रही हूँ। सर्वप्रथम मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा फिर मैं आम डालूंगी। इस तरह से बना हुआ मुरब्बा आप साल भर तक अपने घरों में रख सकती हैं। एक दो बार चलाने के बाद इसमें चीनी ऐड करूंगी, जो कि साथ में ये मिल जाएगा और इससे पानी जो छूटेगा वो इसी में एक सार कर लेगा अपने आप से। मैंने मोमदस्ता में से फूट लिया है और ये सबको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें चीनी दिया गया है इसलिए ज़्यादा, मतलब कि चाशनी बन जाएगा, इसलिए आप लोग अपना अनुसार देख लीजिएगा। इसमें देखिए इसमें जम रहा है कि नहीं। आप प्लेट टेस्ट भी कर सकती हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, लाल मिर्च थोड़ा सा दे देना होगा। ये है मिर्चा जो कि मैंने भून कर रखा है और ये जीरा, थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। और बच्चे दिखाते हैं, ज़्यादा तीता है तो कम, नहीं तो थोड़ा सा आप दीजिएगा। मैं बिल्कुल ही कम दे रही हूँ। जीरा पाउडर। हमारा ये मुरब्बा तैयार हो गया है, खट्टा मीठा। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा, आप बना कर घर में रख सकती हैं।
आप इसे टेस्ट करके देखिए, नमक कम है तो नमक दे दीजिए, चीनी कम है तो चीनी दे दीजिए। ये हमारा रेडी हो गया है। आप इसे जार में साल भर तक रख सकती हैं, ये खराब नहीं होने वाला है। इस तरह से देखा जाता है, यदि चिपकने लगा तो ये रेडी हो गया है। और आपको यदि दूसरा दिन ये लगे कि पतला हो गया है तो इसे फिर एक बार आप कढ़ाई में डालकर चलाते रहिएगा और फिर इसको जार में बंद करके रखना है। हमारा यह मुरब्बा तैयार हो गया है, काजू किशमिश सौंफ वाला। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए संगीता रेसिपी को। थैंक यू।